बिसमीम्समैक्म आज सेवनटीन अगस्त है मंडे है आज की डायरी डिस्कस करते हैं प्ले ग्रुप से प्ले ग्रुप के बच्चों ने लेसन प्लान फॉलो करना है डे थर्टी एट का डे थर्टी एट में जो डायरी दी गई है सारे सब्जेक्ट्स की आपने उसके अकॉर्डिंग काम करना है सारा नेक्स्ट है क्लास नर्सरी क्लास नर्सरी के बच्चे भी डे थर्टी एट का लेसन प्लान फॉलो करेंगे डे थर्टी एट में जो डायरी दी गई है सारे सब्जेक्ट्स का, का काम वहाँ से देख के करेंगे क्लास के जी है इंग्लिश की डायरी है पेज नंबर थर्टी ऑन बुक एंड पेज नंबर फोर्टी थ्री एंड फोर्टी फोर ऑन नोटबुक बुक पे आपने एक पेज करना है और नोटबुक पे आपने दो पेज करने हैं उर्दू में पेज नंबर ट्वेंटी नाइन ऑन बुक एंड पेज नंबर थर्टी नाइन ऑन नोटबुक मैथ में पेज नंबर थर्टी ऑन बुक एंड पेज नंबर फिफ्टी फाइव ऑन नोटबुक इस्लामियात में पेज नंबर थर्टीन पे क्वेश्चन नंबर फाइव करेंगे याद जनरल नॉलेज में पेज नंबर टेन है और क्वेश्चन नंबर फोर फाइव एंड सिक्स याद करना है आपने क्लास वन है इंग्लिश ए की डायरी है यूनिट नंबर फाइव है एट द फॉर्म क्वेश्चन आंसर नंबर थ्री है ऑन वर्कबुक वर्कबुक में क्वेश्चन मेंशन है आंसर आप यहां से नोट करें द डॉग इज़ बार्किंग एट द कैट इंग्लिश बी है वर्कबुक में पेज नंबर थर्टी टू है क्वेश्चन नंबर नाइनटीन है डेज ऑफ वीक आपने राइट करने हैं और याद करने हैं यहाँ से देख के इनको नोट कर लें और याद करें मैथ में लेक्चर नंबर ट्वेंटी एट है वो आपको लिंक सेंड कर दिया गया है आप वहाँ से करेंगे साइंस में यूनिट नंबर टू है और रिवीजन ऑफ क्वेश्चन नंबर टू है वर्कबुक में क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन आंसर नहीं ऑब्जेक्टिव का जो क्वेश्चन नंबर टू है उसकी रिवीजन करनी है आपने उर्दू ए में आओ मिलकर काम करें मशकी सवाल नंबर है सेवन जवाब है उसका मेहनत में अज़मत है इम सबसे बड़ी दौलत है हमें हर वक्त अल्लाह का दम भरना चाहिए उर्दू बी है वर्कबुक में सफ़ा नंबर सेवेंटी वन है और अल्फाज जुमले आपके कंप्लीट हो गए थे वन से ट्वेंटी तक आपने उनकी रिवीजन करनी है इस्लामियत में अल्लाह ताला के पैगंबर आपका सबक है और सवाल जवाब नंबर दो है सवाल वर्कबुक में लिखा हुआ है जवाब यहाँ से देख के नोट करें सबसे पहले नबी हज़रत आदम सलाम थे जनरल नॉलेज में रिवीजन ऑफ पेज नंबर एट आपका पेज नंबर एट कम्प्लीट हो गया था आज आप उसकी रिवीजन करेंगे क्लास टू है इंग्लिश ए की डायरी है यूनिट नंबर सिक्स है आई वॉन्डर क्वेश्चन नंबर वन एंड टू ऑन वर्क बुक क्वेश्चन नंबर वन है आपका वर्ड्स मीनिंग का और क्वेश्चन नंबर टू है आपका वॉन्डर टॉट ब्लो रेनबो सुपोज और क्वाइट ये आपके ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन हैं आपने वर्क बुक पे सॉल्व करने हैं इंग्लिश बी में पेज नंबर थर्टी सिक्स है और क्वेश्चन नंबर नाइन है देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेटर्स कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स लेटर्स की दो एग्जाम होती हैं कैपिटल और स्मॉल मैथ में लेक्चर नंबर ट्वेंटी एट है आपको लिंक सेंड कर दिया गया आप वहाँ से करेंगे साइंस में यूनिट नंबर फाइव है लीव्स रीडिंग ऑफ पेज नंबर थर्टी वन प्लस क्वेश्चन नंबर थ्री ऑन वर्क बुक क्वेश्चन नंबर थ्री आपने करना है वर्क बुक पर उसके आंसर्स ये दिए गए हैं यहाँ से देख के नोट कर रहे हैं उर्दू ए है अहमद की शरारतें आपकी कहानी कंप्लीट हो गई थी उसकी आप रिवीजन करेंगे उर्दू बी है पेज नंबर नाइन्टी वन है दरख्वास्त बराए रख्सत बीमारी आपकी ये कंप्लीट हो गई थी आज आपने उसकी रिवीजन करनी है उसको रफ़ नोटबुक ले लें पेज ले लें उस पर ख़ुद से राइट करें बार बार उसमें आपकी कोई गलती ना हो इस्लामियात है सबक अरकान इस्लाम है सवाल जवाब नंबर चार है सवाल आपका वर्कबुक में मेंशन में है जवाब है दिन रात में पांच नमाजें फ़र्ज़ हैं जनरल नॉलेज में पेज नंबर एट है और क्वेश्चन नंबर टू एंड थ्री याद करेंगे आप क्लास थ्री है इंग्लिश ए की डायरी है यूनिट नंबर सिक्स है आपका क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नंबर आंसर एंड ऑन वर्कबुक वर्कबुक में क्वेश्चंस आपके मेंशन है आंसर्स यहाँ से देख के नोट करें द पोर्ट होल इज डिस्क्राइब एज बिग लाइक अ गैपिंग माउथ वेटिंग फॉर इट्स नेक्स्ट विक्ट आंसर नंबर फोर है फाइजा कलेक्टेड अ बास्केट मॉल फ्लारिंग श्रब्स सम बोर्ड पिन थ्री लॉन्ग लेंथ सॉफ वुड एट्सट्रा इंग्लिश बी है वर्कबुक में पेज नंबर थर्टी फाइव है क्वेश्चन नंबर सेवनटीन है आपने एप्लीकेशन अपनी कंप्लीट करनी है आपको जो मैंने स्टार्टिंग पैटर्न दिया था वो आपने नोटबुक के या वर्कबुक के लेफ्ट साइड से उसको राइट करना स्टार्ट करना था और ये आपने लेफ्ट साइड पे ही राइट right करना है उसके नीचे मैडम उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आपने जैसे मैंने गैप दिया है इस तरह गैप दे के लिखना है आई बैक टू से दैट आई एम इल आई कैन नॉट कम टू स्कूल काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर वन डे आई शेल बी थैंकफुल टू यू फॉर दिस फेवर मैथ में लेक्चर नंबर ट्वेंटी एट है आपको लिंक सेंड कर दिया गया है आप वहाँ से करेंगे साइंस में यूनिट नंबर फाइव है आपका क्वेश्चन आंसर नंबर फोर है ऑन वर्कबुक द वे एयर प्रेसिज़ डाउन ऑन ऑल थिंग्स इज़ कॉल्ड एयर प्रेशर उर्दू है उर्दू ए है हमसायों के हकूक सवाल जवाब नंबर चार सवाल आपका वर्कबुक में मेन्शन है जवाब यहाँ से देख के लिखें हमसाए को तकलीफ़ पहुँचाने वाले शख्स के बारे में अल्लाह और इसके रसूल सल अला वसलम का इर्शाद है वो शख्स ममिन नहीं हो सकता जिसका पड़ोसी उसकी शरारतों से महफूज ना हो उर्दू बी है वर्कबुक में पेज नंबर एटी टू है अल्फाज जुमले हैं ग्यारह से पंद्रह तक उस्ताद तलब इलम को जेवर तालीम से आरस्ता करता है सरसब्जो शदाब दरख्त प्यारे लगते हैं जंगल में तन्हा जाना ख़तरे से खाली नहीं दादा अबू ने हमें दिलचस्प किस्सा सुनाया इल्म हासिल करने से इज्जत मिलती है आपको मुश्किल लगे तो आप खुद से भी सेंटेंस बना सकते हैं इस्लामिया में सबक तो इबादत पहला सबक है आपका आज आपने उसकी रिवीजन करनी है जनरल नॉलेज में पेज नंबर ट्वेल्व है और क्वेश्चन नंबर वन एंड टू याद करेंगे आप क्लास फोर है यूनिट नंबर एट है फ्रॉम फ्रोमा रेलवे कैरेज उसकी रीडिंग करेंगे आप कंप्लीट लेसन की इंग्लिश बी है वर्कबुक में पेज नंबर थर्टी फोर है क्वेश्चन नंबर सेवनटीन है एप्लीकेशन आपकी है स्टार्टिंग पैटर्न हो गया था उसके नीचे जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ इसी तरीके से आपने लिखना है मैडम उसके आगे आप कॉमा लगाएंगे फिर आप थोड़ी स्पेस दे के लिखेंगे नेक्स्ट लाइन में उसके नीचे वाली लाइन में आई बैक टू से दैट आई एम इल आई कैन नॉट कम टू स्कूल काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर वन डे आई शेल बी थैंकफुल टू यू फॉर दिस फेवर मैथ में लेक्चर नंबर ट्वेंटी एट है आपको लिंक सेंड कर दिया गया आप वहाँ से करेंगे साइंस में यूनिट नंबर फ़ाइव है आपका मैटर एंड इट्स स्टेट्स रीडिंग करेंगे पेज नंबर फोर्टी फोर की प्लस क्वेश्चन नंबर टू एंड थ्री ऑन वर्कबुक। वर्कबुक में देखें क्वेश्चन नंबर टू एंड थ्री ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन हैं उनके आंसर्स यहाँ मेंशन है आप यहाँ से देख के वहाँ नोट करेंगे और याद करेंगे उर्दू ए में आपकी कहानी है कायद आजम का बचपन उसकी आपने रिविजन करनी है उर्दू बी है वर्कबुक में पेज नंबर एटी सिक्स है दरख्वास्त ब्राए रुख्सत बीमारी ये मैंने पूरी दरख्वास्त लिखी है आपने इसी तरीके से लिखनी है आपने राइट साइड से लिखना स्टार्ट करना है बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहिबा ऑक्सफर्ड आइडियल हाई स्कूल शेखुपुरा शेखुपुरा के आगे आप फुल स्टॉप लगाएँगे जनाब आली एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएँगे मौतवाना गुजारिश है कि मुझे बुखार हो गया है जिसकी वजह से मैं स्कूल हाजिर नहीं हो सकता गर्ल्स हो सकती लिखेंगी बरए मेहरबानी मुझे एक योम की एक योम मोरखा सेवनटीन अगस्त की रुक्सतनायत फरमाएं नेक्स्ट आप उसके नीचे वाली लाइन में जहां आपका यहां तक स्टेटमेंट uh, कंप्लीट हो जाए रुक्सतनायत फरमाएँ उसके नीचे वाली लाइन में जाएंगे और लेफ्ट साइड पे आप लिखेंगे आपकी एन नवाजिश होगी और ये सारा कुछ जो नीचे क्लास नेम और डेट दी है आपने ये सारा लेफ़्ट लिखना है नेक्स्ट इस्लामियात है सबक आपका हकूक लबाद है सफ़ा नंबर पैंतीस और छत्तीस की आपने रीडिंग करनी है सफ़ा नंबर उनतालीस और चालीस है खाली जगह करें और दरुस् जवाब का इंतब करें ये आपके जवाब सारे दिए गए हैं यहाँ से देख के बुक में नोट कर लें जनरल नॉलेज है साइंस आपका टॉपिक है पेज नंबर एटीन पर और क्वेश्चन नंबर वन से सेवन तक आपने याद करने हैं क्लास फाइव है इंग्लिश ए की डायरी है यूनिट नंबर सेवन है आपका कलेक्टिंग थिंग्स रीडिंग पेज नंबर फोर्टी वन प्लस पेज नंबर फोर्टी फोर क्वेश्चन नंबर टू आपने फोर्टी वन की रीडिंग करनी है और पेज नंबर फोर्टी फोर पर आपका एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर टू है वो आपने सॉल्व करना है और उसके साथ क्वेश्चन आंसर नंबर वन है वो आपने नोटबुक में राइट करना है जो क्वेश्चन नंबर टू ऑब्जेक्टिव का है वो आप बुक में लिखेंगे और क्वेश्चन आंसर आप नोटबुक में लिखेंगे क्वेश्चन नंबर वन है व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स डू पीपल कलेक्ट लोग किस किस्म की चीज़ें कलेक्ट करते हैं पीपल कलेक्ट ईच एंड एवरी काइंड ऑफ थिंग हर किस्म की चीज़ें लोग कलेक्ट करते हैं इंग्लिश बी में ग्रामर का पेज नंबर टू ट्वेंटी फाइव एंड टू ट्वेंटी सिक्स है सिमिलर वर्ड्स हैं आपके कपल से इमोशंस तक आपने नोटबुक में राइट करने हैं और लर्न करने हैं मैथ का आपको लेक्चर नंबर ट्वेंटी एट है आज आपका आपको लिंक सेंड कर दिया गया है आप वहाँ से करेंगे साइंस में यूनिट नंबर फाइव है आपका एनवायरमेंटल पोल्यूशन रीडिंग ऑफ पेज नंबर फोर्टी एट प्लस क्वेश्चन आंसर नंबर सिक्स क्वेश्चन है आपका नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन दैट आर फाउंड इन द एनवायरमेंट एनवायरमेंट में जो डिफरेंट पोल्यूशन की टाइप्स मिलती हैं आपने उनके नेम बताने हैं द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन दैट आर फाउंड इन द एनवायरमेंट आर नॉइज़ पोल्यूशन एयर पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन एंड लैंड पोल्यूशन उर्दू ए है कहानी वादे की पाबंदी है सवाल जवाब नंबर एक दो और तीन करेंगे ये आपने नोटबुक में राइट करने हैं और याद करने हैं जवाब नंबर एक है हज़रत उमर फ़ारूक का हज़रत उमर फारूक के दौर का है जवाब नंबर दो है नौजवान कतिल की जमानत हज़रत अबूजर गफ़ारी ने दी जवाब नंबर तीन है मकतूल के बेटे ने नौजवान को इसके वादे की सच्चाई की वजह से माफ़ कर दिया उर्दू बी में आपका पेज नंबर सेवेंटी वन है और आपकी एप्लीकेशन थी बीमारी की आपने उसकी रिवीजन करनी है इस्लामियात में सबक इदैन है सवाल जवाब नंबर एक है ये भी आपने नोटबुक में राइट करना है और याद करना है सफ़ा नंबर ट्वेंटी सेवन आप देखेंगे सेंटेंस आपका स्टार्ट हो रहा है ईदैन से मुराद यहाँ से लेकर सुन्नत इब्राहिमी की याद में की जाती है यहाँ तक उसका आंसर है जो आपने नोटबुक में राइट करना है जनरल नॉलेज में पेज नंबर एटीन पे आपका इलामा इकबाल में टॉपिक है ट्रेवल टू इंग्लैंड से लेकर डेथ तक ये यह आपने यहाँ तक याद करना है आज क्लास सिक्स है इंग्लिश ए की डायरी है लेसन नंबर टेन है आपका गुड बैनर लास्ट आपका लेसन नंबर एट कंप्लीट हो गया था लेसन नंबर नाइन जो है वो आपका लेटर राइटिंग है वो आपका पैटर्न सारा इंग्लिश बी में कवर हो जाएगा इसलिए हम वो नहीं करेंगे लेसन नंबर टेन स्टार्ट कर रहे हैं कंप्लीट रीडिंग करेंगे आप उसकी इंग्लिश बी में ग्रामर का पेज नंबर ट्वेंटी एट से थर्टी है और सिंगुलर और प्लूरल आपके एरो से गैस तक कंप्लीट हो गए थे आपने उनकी रिवीजन करनी है मैथ का लेक्चर नंबर ट्वेंटी एट है आपको लिंक सेंड कर दिया गया है आप वहां से करेंगे साइंस में यूनिट नंबर सिक्स है आपका एलिमेंट्स मिक्सचर एंड कंपाउंड रीडिंग करेंगे पेज नंबर फिफ्टी टू की प्लस पेज नंबर सिक्सटी फोर पर है फिल इन फिलिंदी ब्लैंक्स वो आप करेंगे उसके आंसर्स मैंने दिए हैं यहाँ पर इधर से देख के नोट कर लें उर्दू ए में नज़म है साइंस का करिश्मा उसकी आपने रिवीजन करनी है उर्दू बी में ग्रामर का पेज नंबर सेवेंटी फाइव है नामुकम्मल जुमले ग्यारह से पंद्रह तक आपने कॉपी में लिखने हैं और याद करने हैं इस्लामियात में सबक है सुलहदैबिया सवाल जवाब नंबर एक उसका जवाब है पेज नंबर फोर्टी पे आप देखेंगे बैत रिजवान ये टॉपिक है और आपने आंसर यहाँ तक लिखना है इस बैत को बैत रिजवान कहा जाता है यहाँ तक आपने आंसर नोट करना है अपनी नोटबुक में जनरल नॉलेज में पेज नंबर एटीन पे इलामा इकबाल में आपका टॉपिक है ट्रैवल टू इंग्लैंड यहाँ से लेकर डेथ तक आपने याद करना है क्लास सेवन है इंग्लिश ए की डायरी है लेसन नंबर सेवन है आपका और रीडिंग करनी है आपने पेज नंबर थर्टी सिक्स की प्लस पेज नंबर फोर्टी पे आप देखें एक्सरसाइज में आपका क्वेश्चन है ए एंड बी ये दोनों क्वेश्चन बहुत आसान है आप ख़ुद से सॉल्व कर सकते हैं बुक पे करना चाहें बुक पे कर लें नोटबुक पे करना चाहें तो आप नोटबुक में कर सकते हैं आपके ये क्वेश्चन हैं कि आपको सिंपल सेंटेंस दिया गया है सपोज ही इज़ प्लेइंग आपने उसको चेंज करना है इंटेरोगेटिव में आप उसको इंटरोगेटिव में चेंज करेंगे ही इज प्लेइंग है तो इज़ ही प्लेइंग आपने इस तरह से सारे सेंटेंसेस चेंज करने हैं आपने खुद से करना है कोशिश करें विदाउट एनी हेल्प आप ख़ुद से उनको करें अगर नहीं आपको समझ आ रही है फिर किसी से हेल्प लें इंग्लिश बी में है ग्रामर का पेज नंबर ट्वेंटी वन से ट्वेंटी टू सिंगलर प्लोरल बैम्बो से स्टोरी तक आपने नोटबुक में राइट करने हैं और याद करने हैं मैथ में लेक्चर नंबर ट्वेंटी एट है आपको लिंक सेंड कर दिया गया है आप वहाँ से करेंगे साइंस में यूनिट नंबर सिक्स है आपका रीडिंग पेज नंबर फिफ्टी टू एंड फिफ्टी थ्री प्लस क्वेश्चन आंसर नंबर वन आप बुक की एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नोट कर लें अपनी नोटबुक पे और उसका आंसर यहाँ से देखें वाटर इज अबंडली फाउंड अराउंड अस इट इज़ अ केमिकल सब्सटेंस दैट इज कम्पोज ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इट्स केमिकल फॉर्मूलाइज एच उर्दू ए है नज़म कायद अजम पढ़ाई करेंगे आप उसकी अल्फाज मायनी देखेंगे आप पेज नंबर वन वन सेवन पे बुक के पीछे लास्ट पे देखें पेज नंबर वन वन सेवन पे वर्ड्स मीनिंग दिए गए हैं वहाँ से देख के आपने याद करने और नोटबुक में लिखने हैं प्लस आप करेंगे मश्की सवाल नंबर तीन और चार बुक में पेज नंबर देखेंगे फोटी और फोर्टी वन उसमें सवाल नंबर तीन और चार आपने करना है उनके आंसर्स दिए गए हैं जवाब नंबर तीन है ये वतन कायद अज़म की हिम्मतों से आज़ाद हुआ और हमें मिला फिर दिलचस्प खुशियाँ मिली और हमारा ये खुशियों का बाग आबाद हुआ कायद अजम ने हमारी रहनुमाई की ये वतन कायद अज़म की हिम्मत जरूरत और मेहनत से हासिल हुआ कायद अज़म की वजह से हमारे वतन का नाम रोशन हुआ कायद अज़म की वजह से ही हमें दुनिया भर में इज़्ज़त मिली जवाब नंबर चार है हिम्मतों शाद आबरू और याद उर्दू बी में पेज नंबर सेवेंटी फ़ोर और सेवनटी फ़ाइव पे मुहावरत हैं ग्यारह से सोलह तक आपने नोटबुक में राइट करने हैं और याद करने हैं इस्लामिया में सबक है गजवा तबूक सवाल जवाब नंबर दो जवाब आपका है गजबा तबूक के मौका पर मुसलमानों के तीन ग्रोह सामने आए ऐमान कामिल वाले मोमिन ऐमान नाकस वाले मोमिन और मुनाफिक जनरल नॉलेज में पेज नंबर एटीन पे इलामा इकबाल में आप देखेंगे ट्रैवल टू इंग्लैंड है हेडिंग वहां से लेकर डेथ तक आपने कंप्लीट याद करना है थैंक यू